खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां किसानों द्वारा 14 दिसंबर सोमवार को चक्का जाम एवं देशव्यापी आंदोलन के ऐलान के मद्देनजर पूरनपुर में मंडलायुक्त रणवीर सिंह व डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने जिले की तहसील पूरनपुर के तहसील सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ किसानों द्वारा चक्का जाम ऐलान को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा चक्का जाम एवं आंदोलन से आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। किसानों के आंदोलन को रोका नहीं जा रहा है, आंदोलन से जनता को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसका ध्यान रखा जाए। पीलीभीत जनपद से संदीप कुमार के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट। उसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, यही डिस्कशन के लिए हम लोग आए थे। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पब्लिक को कहीं कहीं मान लिया जाम हो गया और पीछे पब्लिक खड़ी है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, ऐसा कुछ ना हो, पब्लिक को कम से कम परेशानी हो, जो जिसका लोकतांत्रिक अधिकार है वो प्रयोग करें, उसे रोकेंगे। सर, आज मीटिंग क्या है उसका उद्देश्य? जो हमारे पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जो हम लोगों की कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई और किस तरह से लोगों का सुविधा ना हो और अराजकता ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी पर चर्चा हुई और उसी के संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश दिए।